Boom! What's wrong? This is Mahira and Jir Singh, VMTV. तो आज के वीडियो में हमने बात करने जा रहे हैं हाथरस के केस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि वो मनीषा क्लेक जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और मैंने ये टॉपिक में एक वीडियो भी बनाया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ प्रोटेस्ट में हुआ क्या था। तो आप ये आई बटन में क्लिक करिए, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दी गई है और ये साफ साफ कहते हुए कि पहले हम बातचीत कर रहे हैं, पहले बातचीत के जरिए। पहले तो पुलिस ने ये बोला कि बॉडी को जलाने के लिए परिवार सहमत थी। फिर सबने इसको सच्चाई समझ के ये खबर को फैला दिया। फिर तनुश्री पांडे ने ट्वीट किया कि यूपी पुलिस और ऑफिशियल्स परिवार को मजबूर कर रहे थे बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए। और फिर परिवार ने पुलिस को बहुत ही बोला कि लड़की की बॉडी को कम से कम एक एक आखिरी बार घर लाने दो, लेकिन पुलिस नहीं मानी। और जब वो बॉडी को एम्बुलेंस में जलाने के लिए लेकर जा रहे थे तो पूरी गांव की जनता आकर के एम्बुलेंस के सामने आ गई और बोलने लगी कि हम आपको ये लड़की की बॉडी को जलाने नहीं देंगे। फिर तुरंत पुलिस की एक और सच्चाई सामने आई। इंडिया टुडे ने पोस्ट करा कि लगभग रात के 2:30 AM बॉडी को जलाया और उनने परिवार को घर के अंदर लॉक कर दिया था और बाहर कम से कम 100 पुलिस वालों को खड़ा कर दिया था डंडे के साथ कि परिवार बाहर ना आ पाए जब बॉडी जल रही थी। और फिर अब ये सवाल उठता है कि बॉडी को रात के 2:30 AM क्यों जलाया गया। और फिर एक और सच्चाई सामने आई कि गवर्नमेंट ने एक पीआर एजेंसी हायर करी थी। पीआर एजेंसी का काम ये है कि उनको दुनिया को ये दिखाना है कि ये तो सिर्फ एक मर्डर था। और देखिए ये वीडियो जहाँ पर लड़की का भाई खेतों में छुप करके आके बोलता है कि अरे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। उनको धमकी दे रहे हैं, उनको मारा था, उनकी छाती बुला मारा था उनकी। और अगर आपको भी जस्टिस की लड़ाई में आना है तो ये सच्चाई को आप शेयर करिए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आपको पता है कि आपको जाकर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। This is Mahira Report in Hyderabad and Jir Singh VMTV.